सब्सक्राइब कीजिए अमेजिंग मार्केटर चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हम सभी जानते हैं एक बिजनेस को मैनेज करना आसान काम नहीं है, और हर बिजनेस में एक मोमेंट आता है जब हमें एक हेल्पिंग हैंड चाहिए होता है अपने बिजनेस को ग्रो या फर्दर एक्सपैंड करने के लिए। और तब हम किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं जो हमारे इन्वेंट्री या शिपिंग प्रोसेस को मैनेज कर पाए, या किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेते हैं टू इंक्रीज सेल्स। और बस इसी मोमेंट पर ज्यादातर सेलर्स अपने अमेजॉन बिजनेस की सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो अपने अमेजॉन सेलर अकाउंट के क्रेडेंशियल्स, मतलब यूजर नेम और पासवर्ड, अपने एम्प्लॉयज, टीम मेंबर्स या प्रोफेशनल या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उनके बिजनेस से एसोसिएटेड है उसको दे देते हैं। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अमेजॉन आपको यूजर परमिशन देने का ऑप्शन देता है, तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू गिव यूजर परमिशन इन द राइट वे। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं अमेजिंग मार्केटर। लेट्स लर्न समथिंग न्यू टुडे। बिफोर मूविंग अहेड, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। क्या आपने आज तक अपने Amazon सेलर अकाउंट के credentials किसी को दिए हैं? मुझे कमेंट्स में यस और नो करके बताएं। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि अपने Amazon सेलर अकाउंट के credentials क्यों नहीं देने चाहिए। उससे पहले देखते हैं यूजर परमिशन कैसे देते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने Amazon सेलर सेंटर डैशबोर्ड में लॉग इन लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं टॉप राइट कॉर्नर में सेटिंग्स का एक ऑप्शन है। आप जब उस पर होवर करेंगे तो जो पॉपअप विंडो ओपन होगा उसमें आप देख सकते हैं थर्ड लास्ट ऑप्शन जो है वो है यूजर परमिशंस। उस पर क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि जो यूजर परमिशन का पेज है वो ओपन हो चुका है। जो यूजर्स ऑलरेडी इस अकाउंट को एक्सेस ले सकते हैं उनकी डिटेल्स करंट यूजर्स में आ रही है, और अगर हमें कोई नया यूजर ऐड करना है तो हम ऐड अ न्यू यूजर सेक्शन में जाके नेम एंड ईमेल एड्रेस वहां पे डालेंगे। तो मैं यहां पर नाम और ईमेल एड्रेस डाल देता हूं। एंड इनवाइट पे क्लिक कर देता हूं। इनवाइट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमें नोटिफिकेशन दिख जाएगा, योर इनविटेशन हैज बीन सेंट। इसके बाद आपको वो ईमेल एड्रेस चेक करना है जिस पे आपने ये इनविटेशन सेंड किया है। हम देख सकते हैं कि हमारे इनबॉक्स में सेलर सेंट्रल के एक्सेस का इनविटेशन लेटर आ चुका है। हम इस मेल को ओपन करेंगे और ये हमारा सेलर सेंट्रल इनविटेशन का लेटर है। इसमें आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, वी जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द लिंक। जैसे ये लिंक ओपन होगा आपको अपना सेलर सेंट्रल अकाउंट में लॉग इन लेना होगा। आप देख सकते हैं एक्सेप्टिंग इनविटेशन का प्रोसेस चल रहा है एंड इनविटेशन एक्सेप्ट हो गया है। आपको ये भी यहां पे दिख जाएगा कि आपको किस मार्केट प्लेस के लिए इनवाइट किया गया है। तो हम देख सकते हैं यहां पे amazon.in है, तो हम इंडिया मार्केट प्लेस के लिए इनवाइट किए गए हैं। उसके बाद हम सेलेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे एंड वी आर डन विद द यूजर एक्सेस ऑफ amazon सेलर सेंटर डैशबोर्ड। तो अभी आपको सिर्फ डैशबोर्ड का एक्सेस मिला है, आपको उसके सारे फीचर एक्सेसिबल नहीं है। अभी आप उसमें कुछ भी एक्सेस नहीं ले सकते। तो नेक्स्ट स्टेप होता है आपने जो यूजर ऐड किया है उसको एक्सेस राइट प्रोवाइड करना, कि किस किस सेक्शन के आप एक्सेस राइट उसको देना चाहते हैं। तो पेज को रिफ्रेश करते हैं और देख सकते हैं कि यूजर ऐड हो चुका है। हम मैनेज परमिशन पे क्लिक करेंगे और हम देख सकते हैं कि सभी टाइप के फीचर्स और सेक्शंस आ चुके हैं। यहां पर बेसिकली चार टाइप के राइट्स होते हैं जो आप किसी यूजर को दे सकते हैं। एक होता है नन, अगर आप कुछ भी एक्सेस नहीं देना चाहते। एक है व्यू, जिसमें सिर्फ यूजर आपके अकाउंट्स को मॉनिटर कर सकता है या देख सकता है। तीसरा है व्यू एंड एडिट, वो आपके अकाउंट को मॉनिटर भी कर सकता है और उस पर करेक्टिव मेजर्स या उसकी कुछ भी डिटेल्स को एडिट कर सकता है। एंड फाइनली द एडमिन, जो सब कुछ कर सकता है आपके अकाउंट में। इट हैज फुल अथॉरिटी एंड फुल कंट्रोल ऑफ योर अकाउंट। तो हम देख सकते हैं सबसे पहला सेक्शन है इन्वेंटरी, जिसमें इन्वेंटरी से रिलेटेड सारे फीचर्स दिए गए हैं जिनको हम आगे एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्राइसिंग, थर्ड इज एडवर्टाइजिंग, नेक्स्ट इज ऑर्डर्स, उसके बाद है स्टोर डिजाइन, देन रिपोर्ट्स, एंड उसके बाद है सेटिंग्स। मीडिया अपलोड,
एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, सर्विसेज एंड फाइनली परफॉर्मेंस। तो मान लीजिए आपको किसी को व्यू एंड एडिट राइट्स देने हैं, तो आप वन बाय वन क्लिक करके भी किसी को राइट्स दे सकते हैं, जैसे फुलफिलमेंट प्रोग्राम्स, इन्वेंटरी प्लानिंग, इन्वेंटरी परफॉर्मेंस। आप इस तरीके से एक एक करके इन रेडियो बटन्स को क्लिक कर सकते हैं। एंड इन केस अगर आप एक साथ पूरे सेक्शन का राइट देना चाहते हैं किसी को, तो आप व्यू एंड एडिट बटन पे क्लिक करके पूरे सेक्शन का एक बार में एक्सेस दे सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं किसी को एडमिन बनाना, तो आप उसको एडमिन बटन पे क्लिक करके पूरा एक्सेस दे सकते हैं, जैसे मैंने एडवर्टाइजिंग सेक्शन का दिया है अभी इस यूजर को। कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिनके एक्सेस राइट आपको कभी नहीं देने चाहिए। आई नेवर रिकमेंड देम कि आप किसी यूजर को उन सेक्शंस के राइट दीजिए, जैसे सेलर बैंक अकाउंट, आपको सिर्फ शिपिंग की सेटिंग्स का एक्सेस देना है तो आप सिर्फ शिपिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं, या केस लॉग मैनेज करवाने हैं तो आप केस लॉग के एक्सेस दे सकते हैं। एंड फाइनली आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज आता है उसमें आपको हाइलाइटेड सेक्शंस दिखेंगे, एक ऑरेंज कलर में और एक ग्रीन कलर में। ऑरेंज कलर का मतलब वो है कि ये एक्सेस अब हट चुका है यूजर के पास से। ग्रीन कलर का मतलब ये है कि ये नए सेक्शंस हैं जिनको यूजर एक्सेस कर सकता है। आपको सिंपली नीचे जाना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है, एंड बूम, यू आर डन विद द प्रोसेस। आपने अपने यूजर को जो एक्सेस आप देना चाहते थे वो दे चुके हैं। तो ये था Amazon यूजर परमिशन देने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अब बात करते हैं कि आपको अपने Amazon सेलर अकाउंट के क्रेडेंशियल्स क्यों नहीं देने चाहिए। एक बात बताइए, अगर आपके पास कोई फिजिकल शॉप है या शोरूम है, तो क्या आप उसकी चाबी किसी को देंगे? नहीं, राइट? सो Amazon सेलर अकाउंट को आप एक शोरूम समझिए, और अगर आप किसी को उसके क्रेडेंशियल दे रहे हैं तो बेसिकली आप उसको अपने शोरूम का पूरा एक्सेस दे रहे हैं। आप अपने पैसे का एक्सेस उसको दे रहे हैं, अपनी इन्वेंटरी का एक्सेस उसको दे रहे हैं, अपनी वाइटल डिटेल्स का एक्सेस दे रहे हैं। अबव ऑल, आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है, क्योंकि सेम अकाउंट मल्टीपल लोकेशन से एक्सेस होगा, स्पेशली अगर आप प्रोफेशनल सर्विस या किसी से अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस ले रहे हैं। तो कभी भी कोई भी अच्छा प्रोफेशनल आपसे क्रेडेंशियल्स नहीं मांगेगा, वो हमेशा यूजर परमिशन एक्सेस ही मांगेगा। मुझे या मेरी टीम को आज तक किसी भी सेलर के क्रेडेंशियल्स की जरूरत नहीं पड़ी है, और ना ही अमेजिंग मार्केटर टीम किसी से क्रेडेंशियल्स मांगती है। तो ऑलवेज रिमेंबर, आपको कभी भी अपने अकाउंट के क्रेडेंशियल्स नहीं देने हैं, और अगर किसी को एक्सेस देना है तो यूजर परमिशन प्रोसेस के थ्रू ही देना है, और सिर्फ उतना एक्सेस देना है जितने की जरूरत है। आपको अपने बैंक डिटेल्स का सेक्शन या पर्सनल डिटेल्स के सेक्शन की इंफॉर्मेशन का एक्सेस कभी नहीं देना है। अगर आप Amazon सेलिंग के सभी प्रोसेसेस एंड अपना अकाउंट खुद मैनेज करना सही तरीके से सीखना चाहते हैं, तो नेक्स्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग का बैच मंडे से शुरू हो रहा है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं अपने घर के कंफर्ट से, जस्ट यूजिंग अ लैपटॉप और मोबाइल फोन। फॉर मोर डिटेल्स, आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप मुझसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। एंड फाइनली, कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग।